आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 16वें सीजन में 7 में से 5 मैच हारकर पॉइंट्स टेबल पर टीम आखिरी पोजीशन पर चल रही है। इस बीच एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। खबर है कि सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत के बाद हुई एक प्राइवेट पार्टी में दिल्ली कैपिटल्स के एक प्लेयर ने किसी महिला के साथ बदतमीजी कर दी। खिलाड़ी का नाम तो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर अब फ्रेंचाइजी काफी गंभीर है और रिपोर्ट्स की माने तो बदतमीज खिलाड़ी को वार्निंग भी दे दी गई है। फ्रेंचाइज की इमेज को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के लिए कई कड़े नियम भी बनाए गए हैं। प्लेयर्स अब अपने किसी भी गेस्ट को रात 10 बजे के बाद होटल के कमरे में नहीं ले जा सकते हैं। अगर प्लेयर अपने मेहमानों से मिलना जुलना चाहते हैं तो टीम होटल के रेस्टोरेंट या फिर कॉफी शॉप में ही समय गुजारने की अनुमति है। साथ ही अब खिलाड़ियों को किसी से भी मिलने के लिए होटल छोड़ने से पहले फ्रेंचाइजी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा। सनराइजर्स हैदराबाद से 7 रन से जीत के बाद खिलाड़ियों को ये गाइडलाइंस दी गई है। इसके अलावा भी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों को कई गाइडलाइंस मिली है। इमरजेंसी में अगर कोई प्लेयर किसी को अपने कमरे में ले जाना चाहता है तो उसे टीम के इंटीग्रिटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा। किसी भी नियम को नहीं मानने पर फाइन लगाया जाएगा और साथ ही अगर मामला गंभीर हुआ तो खिलाड़ी अपने कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धो सकता है। खिलाड़ियों को जारी किए गए कोड के अनुसार प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ को अपने पार्टनर्स के ट्रेवल का खर्च भी खुद ही उठाना होगा। साथ ही परिवार के सदस्यों को स्क्वाड में शामिल करने से पहले फ्रेंचाइजी अधिकारियों को भी इन्फॉर्म करना होगा। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सभी खिलाड़ियों के लिए फ्रेंचाइजी के इवेंट्स में शामिल होना कंपलसरी कर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स का अब तक का सीजन निराशा भरा ही रहा है। टीम लगातार 5 मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर चल रही है। हालांकि पिछले 2 मैच में उसे जीत मिली है। बेंगलुरु से दिल्ली आते वक्त प्लेयर्स का सामान भी चोरी हो गया था। कुछ दिन बाद किट बरामद कर लिए गए। अगर टीम को प्लेऑफ तक पहुंचना है तो हर मैच को आखिरी समझकर ही खेलना होगा और साथ ही उसमें जीत भी हासिल करनी होगी। खुराना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स नाउ राइट नाउ।